साल आ रहा है चुनावी, गया लोकसभा सीट पर कौन होगा प्रभावी? 2024 में कौन मारेगा गया लोकसभा सीट में बाजी? गया के इतिहास से लेकर भूगोल तक जानिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष अभिनव और आप देख रहे हैं बिहार तक। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी अभी से बढ़ गई है। हम आपको इस खास खबर में बताएंगे एक एक लोकसभा क्षेत्र की पृष्ठभूमि, वहां के राजनीतिक समीकरण, विधानसभा की स्थिति, सांसद महोदय के कामकाज और इलाके से जुड़ी बेहद खास जानकारी। तो इस कड़ी में आज बात गया लोकसभा सीट की। गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का बिहार के भूगोल में एक अलग ही महत्व है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कई धार्मिक स्थल तथा पर्यटक स्थल शामिल हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में गया शहर के बीचों बीच भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे लोग विष्णुपद मंदिर के नाम से जानते हैं। वहीं गया में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेले में देश विदेश के लोग अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर विष्णुपद मंदिर परिसर में पिंडदान भी करने आते हैं। इस लोकसभा सीट में बोधगया भी आता है, जहां पर भगवान बुद्ध को कई वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस जगह को देखने और यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों पर्यटक सालों भर आया करते हैं और भगवान बुद्ध का दर्शन और बोधि वृक्ष के नीचे आत्म शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। गया जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इस शहर को विश्व के पटल पर उससे भी ज्यादा पहचान धार्मिक मान्यताओं की वजह से मिली है। बात राजनीति की करते हैं तो गया में भी वर्तमान सांसद जो हैं वो जेडीयू के विजय कुमार मांझी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए उन्हें जीत मिली थी, लेकिन वक्त ने करवट लिया और अब उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में 2024 में समीकरण बदल सकते हैं। एससी और आरक्षित गया सीट पर सभी पार्टियों के लिए जातिगत समीकरण जो है वो बेहद मायने रखता है। भले ही यहां उम्मीदवार दलित और महादलित समाज से आते रहते हैं, लेकिन पार्टियों का फोकस पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण वोटरों पर भी खासा रहता है। गया लोकसभा सीट पर बीते 25 सालों से, ये बहुत दिलचस्प बात है, बीते 25 सालों से मांझी समाज के उम्मीदवार का कब्जा रहा है। 1999 में रामजी मांझी बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। इसके बाद 2004 में आरजेडी से राजेश मांझी ने यह सीट जीती। फिर हरी मांझी की बारी, 2009 और 2014 में वो सांसद चुने गए। 2019 के आम चुनाव में भी विजय मांझी यहां से जीतकर सांसद बने। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी एनडीए और महागठबंधन की ओर से महादलित समाज के उम्मीदवार ही उतारे जा सकते हैं। गया लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो अधिकतर पार्टियां महादलित उम्मीदवार पर अपना दांव खेलती रहीं। पिछले 25 सालों में सीट पर मांझी समाज के ही सांसद बनते आए हैं। इसकी वजह से गया लोकसभा सीट में इस जाति के लोग 2.5 लाख से ज्यादा हैं, ये भी एक वजह है। इसके अलावा पासवान, धोबी, पासी की संख्या भी बड़ी संख्या में है। गया लोकसभा सीट भले ही लंबे समय से एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा और अगड़ी जातियों के वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए राजनीतिक दल सभी जातियों को साधते हुए चुनावी रणनीति तैयार करने में अभी से जुट गए हैं। पूर्व में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम यहां पर 2 लाख हैं, भूमिहार और राजपूत की बात करें तो 2.5 लाख और यादव भी 2.5 लाख और वैश्य समाज के वोटर करीब 2 लाख हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख भी सकते हैं। गया लोकसभा में 6 विधानसभा की सीटें अब हैं। फिलहाल में 3 पर आरजेडी का कब्जा है। गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 पर बीजेपी और 1 पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में शेरघाटी, बोधगया और बेलागंज विधानसभा सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था। वहीं गया टाउन और वजीरगंज पर बीजेपी एवं बाराचट्टी में हम की जीत हुई थी। गया लोकसभा सीट की बात हो और चर्चा जीतन राम मांझी की ना हो, ऐसा संभव नहीं है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से सीट पर चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार विजय कुमार मांझी ने जीतन राम मांझी को 1.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव में शिकस्त दे दी थी। गया लोकसभा सीट पर हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के किस्मत ने अब तक साथ नहीं दिया है। 2009 और 2019 के चुनाव में जीतन राम मांझी यहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें महज 16.28% वोट ही हासिल हुए थे। वहीं 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी के हम टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। हमने 2024 में बीजेपी से गठबंधन की घोषणा कर दी है और चर्चा है कि जीतन राम मांझी आगामी चुनाव में अपने बेटे संतोष मांझी को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। एनडीए संतोष मांझी पर अपना दांव खेल सकती है। तो हम के जो उम्मीदवार रहे थे पिछली बार,
निकटतम प्रतिद्वंदी रहे थे इनके, दूसरे नंबर पर रहे थे जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व सीएम भी हैं, तो वह भी उनका भी दावा हो सकता है, और अगर उनका दावा होगा तो ऐसी परिस्थिति में समीकरण बदल सकता है। क्योंकि आप बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र रहने से यहाँ बराबर उन्हीं के प्रत्याशी जीतते रहे, लेकिन चूंकि जन समस्याओं को दूर करने में सफल नहीं होने से जनता का मन बदलता है और प्रत्याशी बदल जाते हैं। अब विशेषकर मतदाता काफ़ी जागरूक हो गए हैं, वो केवल गया संसदीय की नहीं पूरे देश की बात हम कर रहे हैं, तो मतदाता काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अब सब चीज सोच बूझ कर मतदान करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अगर समस्याओं की बात ना हो तो जनता ऐसे में जाति के गणित में 5 साल उलझती ही रहती है। गया शहर में हम मूलभूत समस्याओं पर भी बात करेंगे, और मूलभूत समस्या ये है कि गया जिला वर्षा आधारित जिला है, और गया जिले में सिंचाई के लिए पूरे जिले में कोई ऐसा डैम नहर नहीं है जिससे किसान सालों भर सिंचाई कर सके, और ना ही सरकार के द्वारा कोई प्रोजेक्ट लाया गया है, ऐसे वहां के लोग भी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं। जिले के अधिकतम मैदानिक क्षेत्र हैं और यहां अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर हैं। दूसरी समस्या गया शहर में, जो गया में जाम की स्थिति है, सड़क पर जाम, वो बहुत बड़ी समस्या है, और इतने वर्षों में गया शहर के लिए ना ही सड़क का मैप बनाकर और ना ही पुल बना है और ना ही एक भी फ्लाईओवर बना है ताकि शहर को विकसित किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में लोग जाम से दो चार होते रहते हैं, और ये एक बड़ी चुनौती भी है। गया शहर पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, ये आप सभी जानते हैं। अब सवाल ये है कि साल 2024 के चुनाव में 25 सालों से मांझी समाज के कब्जे वाली सीट पर क्या फिर से इतिहास दोहराएगा, या फिर इंडिया और एनडीए गठबंधन में जनता कोई नए विकास की तलाश करेगी, नए उम्मीदवार की तलाश करेगी, या फिर कोई और समीकरण गया से निकल करके सामने आएगा, ये तो 2024 का परिणाम ही बताएगा। गया से इस खबर को फाइल किया था हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।